हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मिनिमम आपको कितने परसेंटाइल लगेंगे एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, डिसेंट कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। और क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस होंगे उनकी भी थोड़ी बहुत हम झलक लेंगे, ठीक है। और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी मैं करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ओके। और जो बच्चे नए होंगे अभी तक मुझे पहली बार देखा होगा, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपके सारे कॉलेजेस के वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। हर एक कॉलेज का, महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस है, सबके वीडियोस आएंगे। हर एक का प्लेसमेंट कैसा है, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसके कॉलेज की फैकल्टीज कैसे, मेस कैसा है, कैंपस कैसे है, ठीक है, प्लेसमेंट्स पर परसेंटेज कितना होता है, कैंपस में कॉम्पिटिशन्स कितने क्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन से क्लब्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस से सारे कॉलेजेस में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, अपडेट्स, सीटी सेल की तरफ से कुछ भी आता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होती है, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं आज के विषय पे कि आपको एक मीडियम या फिर एक डिसेंट कॉलेज में जाने के लिए कितना परसेंटाइल लग सकता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, तो प्लीज आपको मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर लेना है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया होगा, ठीक है। तो एज इट इज क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के आ रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे का एक बेसिक रीजन है, क्योंकि सीईटी सेल जहां से क्वेश्चन पूछता है, कर्नाटका सीईटी, जेई, गुजरात सीईटी, आपका सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये यही से सीईटी सेल क्वेश्चन पूछता है। और ये सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया और मॉक टेस्ट में डाल दिए, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट में से, ठीक है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। सो मिनिमम कितने मार्क्स लगेंगे, तो देखो डिपेंड करता है अगेन कैटेगरी के ऊपर, क्या आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है महाराष्ट्र में, ओपन कैटेगरी एक है, उसके बाद ओबीसी एक है, एससी एक है, एसटी एक है, एनटी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और भी माइनॉरिटीज कैटेगरीज बहुत सारी है, लेकिन मैंने जो बोली वो मेजर कैटेगरीज है, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, मैं ओपन कैटेगरी के लिए ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, अगर आप मीडियम लेवल कॉलेज टू डिसेंट लेवल कॉलेज, मीडियम टू टॉप लेवल कॉलेज में जाना चाहते हो, महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज और महाराष्ट्र का एक मीडियम कॉलेज, ठीक है, मीडियम से ऊपर है ना, मतलब जिस कॉलेज में आप जाओगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो आपका एटलीस्ट 94% लाने पड़ेंगे। अगर आपके 94% आते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, तो आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खराब कॉलेज में पढ़ोगे, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, जहां पे आप 6 लाख से ऊपर का पैकेज आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये मैं मेरी सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ये लास्ट ईयर के थर्ड राउंड के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को समान कंसिडर करूंगा, क्योंकि इनका कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम होता है, ज्यादा डिफर नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो आपको अराउंड 86% लगेंगे। अगर आपके 86% आते हैं, तो आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं वहां पे एससी, एसटी, एनटी की, ठीक है, मैं तीनों को सेम नहीं गिनूंगा, क्योंकि तीनों की अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो एससी की अगर बात करूं, तो आपको 73-74% अगर आप लाते हो, तो आप एक डिसेंट कॉलेज में पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑब्लिगेशन करेंगे, भैया आप क्या बोल रहे हो, इतने कम परसेंटाइल पे थोड़ी हम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते। बिल्कुल जा सकते हो बेटा, आप एक बार चेक करो, ठीक है। ये मैं परसेंटाइल, अगेन एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बोलना भूल गया, ये सारे परसेंटाइल में कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईएनटीसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दीज आर द टॉप ब्रांचेस, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट थोड़ा आपका ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी की, अगर मैं एसटी की बात करूं, अगर एक आपको मीडियम या अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको अराउंड 68% स्कोर करना पड़ेगा, और एनटी में वहां पे आपको 76% स्कोर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मीडियम टू टॉप लेवल कॉलेज, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं, मीडियम कॉलेजेस मतलब कौन कौन से। मैं आपको एक मीडियम कॉलेज का एक एग्जाम्पल देता हूं, DY पाटिल अकुर्डी इज मीडियम लेवल कॉलेज। सेकेंड चीज, MIT आलंदी इज मीडियम लेवल कॉलेज, जिसका कट ऑफ ज्यादा है माना कि, ठीक है, DY पाटिल का भी 96 तक जाता है, ENTC का भी अगर मैं क्लोज आउट देखूं तो 96 तक जाता है। तो दीज आर अराउंड मीडियम लेवल कॉलेजेस, ठीक है। और मैं टॉप लेवल कॉलेजेस की बात करूं, तो कौन से हो गए, COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, KJSOM, यानी COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, हाँ, ये आपके टॉप लेवल कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, ठीक है।
उसके बाद के जो हो गए उसके थोड़े से नीचे कौन से आते, थोड़ोमल हो गया, डीजे सांगवी हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती हो गया, ये आपके मीडियम लेवल कॉलेजेस। उससे भी नीचे कौन से आते, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस। उससे भी नीचे कौन से आते, आपकी जो मैंने बताया डीवाई पाटिल वगैरह। सो 94 की आपकी रेंज पकड़ के चलो टॉप लेवल कॉलेजेस फॉर ओपन कैटेगरी है ना। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको टॉप मीडियम, मतलब होता है ना, मैंने आपको बोला मीडियम से लेके टॉप तक, तो मैंने आपको मीडियम से लेके टॉप तक सारे बता दिए। आई होप आपको समझ रही होगी चीजें, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया हमें सारे कॉलेजेस की लिस्ट दे दो, तो ये सिर्फ ट्रेलर है बेटा, ठीक है। जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो सुनो अभी, ये सिर्फ ट्रेलर था। मैंने आपको बताया कि इतने इतने परसेंटाइल ये कॉलेजेस आपको मिल सकते। अभी जब आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी एक डिटेल 20 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें हम सारे कॉलेजेस कवर करेंगे। अराउंड हम 300 कॉलेजेस उसमें कवर करने वाले, 300 कॉलेजेस के रिव्यूज में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब 300 कॉलेजेस के नाम लूंगा और उसके बाद 5 मिनट के वीडियोस डेली आएंगे जिसमें हम हर एक कॉलेज के बारे में जानेंगे। क्लियर बात है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपके लिए काउंसलिंग ला रहा हूं। काउंसलिंग में क्या होता है, आपको जब आप कॉलेज फील करते हो, जब आपका एडमिशन के प्रोसेस में आपको कॉलेज लिस्ट बनानी होती है, तो वो कॉलेज लिस्ट मैं आपकी बना के दूंगा। क्योंकि कॉलेज लिस्ट में एक भी कॉलेज ऊपर का नीचे डाल दिया आपका करियर वहां पे बहुत कुछ नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। तो वो कॉलेज लिस्ट आपकी मैं बना के दूंगा। हर एक बच्चे की अलग अलग कॉलेज लिस्ट होती है, हर एक बच्चे की अलग कास्ट है, हर एक बच्चे की कैटेगरी अलग है, हर एक बच्चे का डोमिसाइल अलग है, हर एक बच्चे की परसेंटाइल अलग है, हर एक बच्चे का कॉलेज प्रेफरेंसेस अलग है, ब्रांच प्रेफरेंसेस अलग है, राइट। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है। मैं ये सब चीजें इंट्रोड्यूस इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको अभी तक कुछ नहीं पता कि व्हाट इज कैप राउंड, राइट। आपको अभी तक नहीं पता, तो जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा एग्जाम 16 को, 17 से आपका व्हाट इज कैप राउंड के ऊपर एग्जाम पहला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कैप राउंड में हम हर एक चीज जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपका रिस्पांस दिखाओ, लाइक करो वीडियो को, एटलीस्ट 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दो बेटा। 1000 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो कॉलेज सीरीज का बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि लाइक करते हो तो एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्लियर बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अराउंड सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, नहीं तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। आपको जो भी विषय चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस विषय पे मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।